एवरीवन, गुम है किसी के प्यार में सीरियल की अपडेट्स लेकर ये वीडियो मैं खास आपके लिए लाई हूँ। वेल, कहानी में अभी तक दिखाया गया है कि सई और मौशी बातें कर रहे होते हैं। बातों बातों में सई बताती है कि विनायक विराट का बेटा नहीं है। पत्र लिखा और विराट ने विनायक को गोद लिया है और उन दोनों की बातें विनायक सुन लेता है। विनायक ये सब सुनकर दुखी हो जाता है, फिर पत्रलेखा के साथ अपने घर चला जाता है। घर पर सब विनायक से बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विनायक किसी से कोई बात नहीं करता और अपने रूम में चला जाता है। फिर जब विनायक और पत्रलेखा विनायक से बात करते हैं तो विनायक बोलता है कि उसे पता है कि वो उनका बेटा नहीं है, उन्होंने उसे गोद लिया था और ये सब उसे सई ने बताया है। जिसके बाद पाखी को विराट बताता है कि वीनू की ये सच्चाई उसने ही सई को बताई थी। जिसके बाद विराट सई को फोन करके खूब खरी खोटी सुनाता है कि उसने ये बात वीनू को क्यों बताई। जिसके बाद सई भी परेशान होकर विराट के घर चली जाती है और उसके घर आने से सभी लोग उस पर गुस्सा करते हैं। विराट उसे घर के अंदर नहीं आने देता। सब सई को कहते हैं कि उसने विराट से बदला लेने के लिए ये सब किया है, जिस पर सई बोलती है कि ऐसा इल्जाम उस पर मत लगाएं, ये सब एक हादसा था, उसने जानबूझकर विनायक को कुछ नहीं बताया है। जो कुछ भी हुआ उसे वो बदल नहीं सकती, लेकिन उसे सुधार जरूर सकती है, एक बार उसे वीनू से बात करने दे। जिसके बाद पत्रलेखा वहाँ आकर सई को घर से बाहर धक्का दे देती है। पत्रलेखा सई से कहती है कि वो एक ऐसी औरत पर भरोसा कैसे कर ले जिसने इंसानियत का गला घोट दिया। पत्रलेखा सई से कहती है कि तुमने एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद कर दी, तुमने हमें हमारे बेटे से ही दूर कर दिया। अब आगे सई और पाखी की लड़ाई के बीच में विनायक अपना घर छोड़ देगा। वेल, सीरियल की ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। For latest TV news and gossips, subscribe to our channel Tele Network.